हिडवाड़ी वाले बाबा 41मा उरस की उजवणी भाटेना विस्तार में करवामां आवी हती। उजवणी हिंदू मुस्लिम कौम सभ्यों एक थी कौमी एखलास माहौल वच्चे करी हती। सूरत उद्योगनी नगरी साथे धर्मनी पण नगरी छे जेमां कोई बे मत नथी। शहेरना भाटेना विस्तारमां आवेला पीरवाड़ी वाले बाबाना 41मा उरसनी उजवणी कराई। हिंदू अने मुस्लिम आगेवानो एक थई आ उजवणी करी कोमी एकलासनी मिसाल पण कायम करी। आ साथे साथे उरसमां दरगाह उपर चादर चढ़ावी पोतानी मुराद पूरी थाय तेवी दुआओ पण करी। हिंदू मुस्लिम मळी एकताने मिसाल दर्शावी छे। आ कार्यक्रममां पीरवाड़ी वाले बाबाने त्यां लोको मननी मुराद पूरी थाय तेवी आशाओ पण राखे छे। चादर युवाओं द्वारा चढ़ावाई थी। दरगाह में रंगबेरंगी लाइटों थी सजावाई थी। खत्म हो जाए और एकता की जो चले भारत की सरकार के अंदर। ये उर्स हजरत पीर वाड़ी वाले बाबा रहमतुल्ला अलैह का 41वां साल से उर्स मनाया जा रहा है इस धरती पे। दो तीन साल से उर्स नहीं किया गया, इसमें क्या बोलोगे? उसका ये प्रॉब्लम था कि जो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस चल रहा है इस वजह से परमिशन नहीं था। इसलिए मुख्तसर में प्रोग्राम हर साल किया जाता था, इसलिए दो साल से प्रोग्राम नहीं हो रहा था। ये साल मुख्तसर प्रोग्राम कर रहे हैं परमिशन के हिसाब से। इस उर्स में कौन से धर्म के लोग आते हैं? इस उर्स में सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एकता से इस उर्स को मनाया जाता है और सभी लोग के यकीदत से लोग शामिल होते हैं यहाँ के ऊपर। तीन साल से आपको मौका नहीं मिला, इस साल कैसा मौका मिला? तीन साल से नहीं मिला था, उसको मुख्तसर मनाया हम लोगों ने, लेकिन ये साल अपने सलातपुरा पुलिस स्टेशन का भी आभार करते हम लोग और PI साहब का भी और कमिश्नर साहब का भी कि उन्होंने परमिशन दिया और हमने मुख्तसर में प्रोग्राम ही किया संदलपुर शरीफ का। गाइडलाइन कैसी रही? गाइडलाइन तो ऐसी रही, सब सीधी रही, कोई टेंशन नहीं रहा। आपने एकता के बारे में क्या बोलना चाहते हो? एकता के बारे में बोलना चाहते कि भारत के अंदर जैसा हजरत पीर सूफी संत मोइनुद्दीन गरीबनाथ चिश्ती ने आज से 900 साल पहले से सूफी संतों ने ये मिशन जमाया है और सबको एकता की जो जलाई और भारत में एकता रहे और सब भाईचारे से माहौल चलते रहे। लोगों का ये कहना है कि भाई सब शांति से भारत में रहे और शांति से कारोबार चले, दूसरा क्या है। मेरा नाम शेख सादिक कुरैशी, जक्सन होटल में चलाता हूँ वाड़ी वाले बाबा के दरगाह के बाजू में और इसी भाटेना की सरजमी पे रहता हूँ। और ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ऐसे पीर पैगंबर और अम्बिया लेटे हैं जिनके वसीले से आज हम हिंदू मुस्लिम एकता की सब एक शान बनाए हैं इन पीर मुर्शदों ने कि आज हम सब साथ में हैं और ये हमारे हिंदुस्तान की एकता ही दिखाई देती है कि हम सब भाईचारे के साथ में इस प्रोग्राम को मनाते हैं। दो साल से उर्स मनाने नहीं आ रहा, इस साल बना कैसा लग रहा है? दो साल से जो बीमारी का जो चल रहा था उस बीमारी को अल्लाह ने और पीरों मुर्शदों ने और सभी ने खत्म कर दिए है और इस साल उस चीज़ का दिखाया नहीं गया। इस साल इनका करम है और ऊपर वाले का रहमो करम है जो हम सब एक साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिलकर हम ये उर्स को मना रहे हैं और कल लंगर है यहाँ पर। सभी धर्म के लोगों को लंगर खिलाएंगे और हम भी खाएंगे और सब एकता के साथ हम ये उर्स मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस, सूरत।